लेकिन वो तो कहते हैं भीड़ नहीं है, लेकिन यहाँ यहाँ भीड़ देख सकते हो आप। ये देशभक्त लोग हैं, ये कांग्रेस भक्त है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा देश को चलाया और चलाती रही। लोगों में जोश देखने को मिल रहा है, लाखों लोग जो है राहुल गांधी का अभिवादन करते हुए आपको नजर आएंगे। तो आप देखिए पूरा जो उज्जैन है यहाँ एक तरीके से इतिहास रचता हुआ, लाखों लोग इस मैदान में आपको नजर आएंगे। जिस तरीके से आप देख सकते हैं भीड़ जो है, जहां तक आप तस्वीरों देखेंगे वहां तक आपको भीड़ नजर आएगी। पहला आतंकवादी गोडसे भारतीय जनता पार्टी की देन है, वो क्या देश की बात करेंगे और हिंदुत्व दर्शन कर रहे हैं, वो भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं। और अभी कुछ मिनटों में भारत जोड़ो यात्रा में उनका मैं स्वागत करता हूं और कुछ मिनटों में अभी आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे और उनका स्वागत के लिए देखिए आप चारों तरफ माइक घुमा के देख लीजिए। तो आप बिहार में आपके साथ औरंगजेब चौधरी, फिलहाल मेरी मौजूदगी है मध्य प्रदेश के उज्जैन में। राहुल गांधी जो है अभी अभी उज्जैन के जो महाकालेश्वर जो मंदिर है वहाँ दर्शन करके आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे मंदिर पहुंचे हैं राहुल गांधी? देखिए ये भगवान शिव की नगरी है और यहाँ मंदिर में पहले पूजा अर्चना करके, हमारे हिंदू समाज में जो कोई भी काम किया जाता है तो पहले भगवान श्री गणेश जी का और अपने बड़ों का जो है अभिनंदन करके कोई काम करने के लिए तब काम किया जाता है। और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में, पहली बात तो ये जनता को, जितने यहाँ पे जनता है, मैं सबका उनके तरफ से हाथ जोड़ता हूँ क्योंकि वो भगवान शिव के यहाँ। लेकिन वो तो कहते हैं कि कट्टर हिंदू नहीं है, असली हिंदू नहीं है राहुल। ये आपके शब्द कह रहा है वो, नहीं उनका शब्द कभी नहीं निकलेगा और उनका जो भी शब्द। भारतीय जनता पार्टी ये सवाल खड़ी करती है कि हिंदू, भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है, उसकी बात मत करिए। यहाँ माननीय श्री राहुल गांधी की बात करिए, जो इस समय आपने पूछा कि भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं, वो भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं और अभी कुछ मिनटों में भारत जोड़ो यात्रा में उनका मैं स्वागत करता हूँ और कुछ मिनटों में अभी आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे और उनका स्वागत के लिए देखिए आप चारों तरफ माइक घुमा के देख लीजिए। तो आप देख सकते हैं जो है यहाँ पर जो है राहुल गांधी पहुंचे और किस तरीके से लोगों में यहाँ पर जो लोगों में जोश देखने को मिल रहा है, लाखों लोग जो है राहुल गांधी का अभिवादन करते हुए आपको नजर आएंगे। तो आप देखिए पूरा जो उज्जैन है यहाँ एक तरीके से इतिहास रचता हुआ, लाखों लोग इस मैदान में आपको नजर आएंगे। जिस तरीके से आप देख सकते हैं भीड़ जो है, जहां तक आप तस्वीरों देखेंगे वहां तक आपको भीड़ नजर आएगी। और फिलहाल जो गांधी पहुंच चुके हैं और आप भीड़ देखेंगे किस तरीके से जो है राहुल गांधी के लिए यहां पर लाखों लोगों का जनसैलाब उमड़ा हुआ आपको नजर आएगा। देखिए अभी फिलहाल उज्जैन में आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से जो है लाखों लोग यहाँ राहुल गांधी के दर्शन के लिए पहुंचे। क्या बोलेंगे सर? हिंदू मुद्दे पे जो भारतीय जनता पार्टी बात करती है, तो हिंदू कौन है और भारत का भक्त कौन है? भारत देश को आजादी दिलाई कांग्रेस ने, भारत देश को जब आजादी दिलाई तो भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई अता पता नहीं था। बहुत सारे लोगों ने मिलकर भारत देश की लड़ाई को लड़ा, भारत देश की आजादी को लड़ाई लड़ा। जब हम आजाद हो गए तो उनमें बहुत सारे लोगों को का नाम लिया गया, बहुत सारे लोगों का भूलवश नाम नहीं लिया जा सका। ऐसे लोगों को इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी बताना चाहती है कि वो देशभक्त है। भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ था 1980 में और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे सिर्फ मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आजाद भारत का पहला आतंकवादी गोडसे भारतीय जनता पार्टी की देन है, वो क्या देश की बात करेंगे और हिंदुत्व की बात। लेकिन बहुत सारी जगहों पर जो है सावरकर के बोर्ड लगे हुए मिले मध्य प्रदेश में, वो कह रहे हैं सावरकर से राहुल गांधी को कुछ सीखना चाहिए। सावरकर से राहुल गांधी को नहीं सीखना चाहिए, सावरकर तो गए, आज मोदी को राहुल गांधी से सीखना चाहिए कि अपने खून को बहाकर, पसीने को बहाकर आज कांग्रेस को साथ लेकर राहुल गांधी रास्ते पे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं। कहां किया मोदी ने ऐसा? वो तो सिर्फ सत्ता को पाने के लिए लोगों को तोड़ते हैं, बने हुए विधायकों को तोड़ देते हैं और अपनी सत्ता बनाते हैं। उनका मकसद सत्ता चलाना है, कांग्रेस का देश का विकास कर रहे हैं सर, वो कह रहे हैं देश का विकास कर रहे हैं। देश का विकास वो कर कहां रहे हैं? देश का विकास करते तो पेट्रोल की कीमत 114 रुपए नहीं होती, अगर खाने के तेल की कीमत 85 रुपए से 135 रुपए नहीं होती। जीएसटी एक ऐसा अध्याय है, जीएसटी एक ऐसा अध्याय जिसमें भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है। ऐसा लगता है कि पहले परीक्षा दी जाती है और बाद में मास्टर के घर जाके कॉपी चेक करवाई जाती है कि साहब हमको कुछ नहीं आता, हमारी कॉपी को आप फिर से, हम अभी लिख के रात को देते हैं, सवेरे आप इसको नई कॉपी को छापना, नए नंबर देना। ये हालत है भारतीय जनता। लेकिन वो तो कहते हैं भीड़ नहीं है, लेकिन यहाँ भीड़ देख सकते हो आप। ये देशभक्त लोग हैं, ये कांग्रेस भक्त है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा देश को चलाया और चलाती रहेगी। सत्ता वो चला सकते हैं लेकिन देश कांग्रेस को चलाना आता है। जय हिंद, जय भारत।